सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। ललितपुर 108 एम्बुलेंस के अभाव में महिला ने तोड़ा दम। हाथ से ठेले से लेकर परिजन पहुंचे थे जिला अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। ललितपुर शहर कोतवाली के नदीपुरा मोहल्ले की रहने वाली थी ये महिला। ललितपुर जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूर्णतः चरमराई। एम्बुलेंस के अभाव में जिले में एक दिन में हुई दो मौतें, जिसका जीता जागता उदाहरण आज ललितपुर में देखने को मिला। जी हाँ, ताजा मामला ललितपुर शहर कोतवाली क्षेत्र के नदीपुरा का है, जहां एक 35 वर्षीय रश्मि मानो पीड़िता को उस समय रहते 108 एम्बुलेंस न मिलने के चलते उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। दरअसल पीड़िता के परिजनों के अनुसार 108 एम्बुलेंस के लिए कई बार फोन लगाकर एम्बुलेंस की मांग की। करीब एक घंटे तक लंबे इंतजार के बाद भी पीड़िता को एम्बुलेंस नहीं मिली। आखिरकार परेशान होकर बाद में परिजनों ने पीड़िता रश्मि वानो को हाथ से ठेले पर रखकर जिला अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये सुनकर परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट गया। दूसरा पहाड़ परिजनों पर तब टूटा जब मौके पर शव वहां नहीं मिला। आखिरकार परिजनों को जैसे तैसे किराए से वहां लेकर शव को घर ले जाना पड़ा। जी हाँ, वैसे तो यूपी का सबसे पिछड़ा और सबसे अंतिम छोर में मध्य प्रदेश की सीमाओं से घिरा और बसा जिला ललितपुर अपनी स्वास्थ्य सेवाओं में कागजों में देखने पर हमेशा अव्वल रहता है, जिसे कई बार अवार्ड भी मिल चुके हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां करती है। यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं की तस्वीर। जी हाँ, दूसरा मामला ललितपुर जिले के थाना जाखलोन अंतर्गत धौरा कस्बे के धौजरी गाँव का है, जहां एक अज्ञात युवक ने घंटों पुलिया किनारे मिट्टी में पड़ा तड़पता रहा, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने 108 एम्बुलेंस को दी, लेकिन एम्बुलेंस घंटे इंतजार करने के बाद भी नहीं पहुंचने से अज्ञात युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। देर शाम तक धौरा पुलिस चौकी के सिपाही मौके पर पहुंचे, जब तक बहुत देर हो चुकी थी और अज्ञात युवक की मौत हो चुकी थी। जहां एक और उत्तर प्रदेश के योगी सरकार प्रदेश में उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं देने का वादा करती है, तो वहीं दूसरी ओर रश्मि मानो जैसी न जाने कितनी जाने 108 एम्बुलेंस न मिलने के कारण मौत के मुंह में समा जाती हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। आइए देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। मेरा नाम शहनशाह है। मेरी चाची की तबीयत बिल्कुल खराब हो गई थी और मैंने लोकल मोहल्ले के डॉक्टर को दिखाया कि उन्होंने कहा मना कर दिया, ज्यादा गंभीर हालत थी तो मुझे सरकारी अस्पताल में लगाना पड़ा। एम्बुलेंस को कॉल किया, एम्बुलेंस आई नहीं। लगभग 5-6 मिनट तो हम बात करते रहे उस पर, कहने लगे लाइन पे रहो। थोड़ी देर बाद फिर क्योंकि तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, जल्दी जल्दी चलना था, तो मैंने मोबाइल ऑफ कर दिया और उसके बाद हम जल्दी से ठेला से लेके चले। जब तक अस्पताल आए तो ख़त्म हो चुकी थी वो। उनकी तबीयत तो पहले ही से ख़राब थी, लेकिन एम्बुलेंस आ जाती तो शायद बचा पाते उनके लिए। हम मामला ये है कि खबर लगी है कि यहाँ पे एक आदमी पड़ा हुआ है, तो हम और यहाँ बॉर्डर पे जो दीवान जी वगैरह थे तो उनको हम लेके 3-4 जने यहाँ पे आए, तो आदमी जिंदा था पूरी तरह से जी। तो हमने फिर एम्बुलेंस को फ़ोन लगाया तो वहाँ से कहा गया कि आप ये बताइए कि आप आओगे या नहीं आओगे। अगर आप आओगे उसके साथ में के आदमी के साथ में के ललितपुर आओगे अगर आप, तो एम्बुलेंस भेजेंगे हम, नहीं तो नहीं भेजेंगे। आप पहले किस नंबर पर डायल किया था? 108 पे करा था। 108 पे किया था, वहाँ से ये जवाब मिला जी। कितने बजे लगाया था आपने? लगभग हमने लगाया था लगभग 3 बजे ये लगाया था। 3:30 लगाया था। 3:30 बजे जब ये जो आदमी पड़ा है अभी, ये वो समय पे जिंदा था? जिंदा, पूरी तरह से जिंदा था। अभी क्या हालत है उसकी? अब हालत खराब हो गई है, ये लग रहा है कुछ कह नहीं सकते उसका। मतलब जिंदा है कि मरता? कुछ अभी कितने बज गए? मर गया शायद। कितने बज गए अभी? अभी कितना बजा होगा? अब 7:05 हो गई है, मर गया अब आदमी। अगर टाइम पे एम्बुलेंस आ जाती तो शायद बच सकता था।